नमस्कार दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.7% की आपको क्लियर तेजी नजर आ रहा है। तो उसी के साथ आप देखेंगे स्टॉक में एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से देखेंगे स्टॉक में लगातार डोजी कैंडल बना हुआ है। स्टॉक धीरे धीरे जो है नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब सवाल आ रहा है क्या यहाँ पे और तेजी आने वाला है या फिर गिरावट आने वाला है, अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन शेयर स्टॉक पर एक्जैक्टली यहाँ पर एक हायर है का कंडीशन बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई लगा देख सकते हो 363 और सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट किया, तो ये अभी सपोर्ट लेवल का काम डेफिनेटली करेगा। तो एक और कंडीशन भी देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर क्लियर एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। तो उसी कंडीशन के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक आपको क्लियरली अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था जिसको ब्रेक डाउन किया है और अभी के लिए जो आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 322 रुपये का और एक रहेगा 301 रुपये का, राइट। तो मैक्सिमम संभावना है कि स्टॉक इसी को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ेगा और ऊपर की साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें 342 का और उसके बाद रहेगा 363, राइट। तो बाकी रहेगा अब सवाल आता है कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद क्या क्या टारगेट रहेगा, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी स्टॉक यहाँ पर जस्ट मूवमेंट बना रहे हैं अपने सपोर्ट लेवल के पास में। इसको ब्रेकआउट करते हैं हम इसके ऊपर का टारगेट डिसाइड कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर इन दोनों लेवल पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, सपोर्ट लेवल के फॉलो कर सकते हो। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाए गए। इस वीडियो को एक लाइक करें, धन्यवाद।